मोहन जोशी जी, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। सुबह सवेरे के जो दर्शक हैं उनको मोहन जोशी का प्यार भरा नमस्कार। फिल्मों में आने से पहले आप क्या किया करते थे? सबसे पहले मैं पुणे में था, ये बचपन से पुणे में ही पूरा एजुकेशन हुआ मेरा, ग्रेजुएशन पुणे में किया मैंने। साथ साथ मैं स्टेज पे प्ले भी करता था और किर्लोस्कर ग्रुप में मैं सर्विस करता था उस वक्त, ये 75-83 की बात बता रहा हूँ मैं। और साथ ही साथ में कमर्शियल प्लेस भी करता था पुणे में, काफ़ी प्लेस किए मैंने, काफ़ी हिट भी हुए पुणे में। कुछ 3-4 मराठी फिल्में की उस वो पीरियड में, पर्टिकुलरली 83-89। और वहाँ से मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जब बम्बई से बुलावा आ गया स्टेज के लिए तो मैं एक प्ले करने के लिए यहाँ पे आ गया। थैंक यू मिस्टर ग्लाड, बहुत ही मशहूर प्ले है ये और उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल गया मुझे और ये सिलसिला तब से आज तक जारी है। मोहन जोशी साहब, आजकल के फिल्मों में विलन्स का चरित्र एक दूसरे से काफी मिलता है, आप उनमें अंतर कैसे लाते हैं? एक तो डिफरेंस क्या होता है कि जब एक आपका रोल हिट हो जाए तो नेचुरली जो दूसरा डायरेक्टर होता है, जो ज़्यादा सोचते नहीं है, वो कहते हैं कि बस आप वही करो, आपने जो उस फिल्म में किया था बस वही करते रहो, क्योंकि वो बड़ा अच्छा लग रहा है और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया हुआ है, तो आप बस वही अंदाज रखो, वही बड़ी बड़ी आँखें, आँखों में वो लाल रंग, वही गुस्से वाले डायलॉग। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें रिपीटेशन काफ़ी हो जाता है और फिर आदमी एक फिल्म, दो फिल्म, पाँच फिल्में कर सकता है, उसके बाद आदमी थक जाता है, एक्टर थक जाता है, बोलते क्या करना है इसमें, अलग क्या करना है। आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आप कोई फिल्म करेंगे, स्टोरी को देखकर या डायरेक्टर को देखकर? कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशन मेंटेन करने के लिए हम फिल्में करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि डेट्स मैच हो गई इसलिए फिल्में करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टोरी अच्छी होती है और काम करने को मन करता है। लेकिन ये सब चीज़ें संभालना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में रहना है। आप ईगो प्रॉब्लम यहाँ करें तो यहाँ कंपटीशन बहुत टफ है। एक रिलेशनशिप जो बना हुआ है एक के साथ, ऐसा नहीं हो सकता कि हर फिल्म में आपको अच्छा रोल मिले, तो इसके लिए इंतजार करना पड़ता है। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी फिल्म में आपने काफी मेहनत की हो और वो लोगों की नज़र में नहीं आई हो? जी हाँ, ऐसा भी होता है, बड़ा दुख होता है उस बात का। जैसे कि मैंने पुलिस वाला गुंडा फिल्म की थी शुरू शुरू में बिल्कुल, और वो भूकंप और ऐलान के बाद आई थी और अंत, जो कि पॉजिटिव रोल किया था और काफ़ी अप्रिशिएट भी हुआ था, उसके साथ साथ ही ये फिल्म आई थी धर्मज के अगेंस्ट, पुलिस वाला गुंडा। आप अगर कभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही अच्छा रोल मैंने किया था, काफ़ी वैरायटी थी उस रोल में, और प्रॉब्लम ये हुई कि फिल्म ठीक तरह से रिलीज नहीं हो पाई। उसकी क्या वजह है मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन बड़ा दुख हुआ कि ये फिल्म जब ऐसे ही वॉश आउट होती है तो सब मेहनत बेकार हो जाती है। आपकी मराठी फिल्में भी काफ़ी सफल रहीं, जैसे राव साहब। जी हाँ, ये एक्चुअली मराठी का सिलसिला शुरू हुआ नो प्रॉब्लम सीरियल से, जो कि अशोक चोपड़ा जी उसके प्रोड्यूसर थे और संजय सुरकर उसका डायरेक्टर था, और तब से जाके मैंने संजय सुरकर के हर प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है, जैसे कि सवत माझी लाड़की, जो कि सिल्वर जुबली हुई पुणे में, उसके बाद हमने की राव साहेब, जिसके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 17 अवार्ड्स मिले हमको, नेशनल अवार्ड मिला उसमें, और इस साल हमने की तू तिथेमी, जो कि इंटरनेशनल फेस्टिवल में हैदराबाद में जो हुआ उसमें दिखाई दी। आपने कई किरदार निभाए हैं, तो कौन सा आपका सबसे पसंदीदा किरदार है? ऐसा तो नहीं होता, हर बाप अपने हर बच्चे को चाहता है, जैसे मैं भी अपने हर रोल को चाहता हूँ, बड़े प्यार से हम लोग काम करते हैं। ये जो पसंद की बात है, ये मैं कहता हूँ कि लोगों को कहना चाहिए, ये लोगों को, जो लोगों का जो ओपिनियन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑडियंस क्या कहती है, आपका ये रोल अच्छा है, ऑडियंस ये कहती है कि आपका, जैसे कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो एक लड़का बोलता है कि आपने वो टक्कर में जो डायलॉग बोला था वो बोल के दिखाता है, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा ये रोल यहाँ तक पहुँच गया। मोहन जोशी साहब, सुबह सवेरे हम लोगों से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।